दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, सरकार वो काम भी नहीं कर रही है, सरकार कर क्या रही है। आपने ये भी सुना होगा दोस्तों, जाकर आप देखते हो कई बार इन चीजों को, आप नोटिस करते हो और इन चीजों को देखते भी हो कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्यों नहीं कर रही है, आखिर ये सरकार कौन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, कौन है सरकार, कोई व्यक्ति सरकार है, कोई मेल सरकार है, कोई फीमेल सरकार है, कोई पार्टी सरकार है। मान लीजिए बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, सपा की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, क्या पार्टी सरकार होती है, तो सरकार है कौन। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से समझेंगे कि वास्तविक रूप से ये सरकार है कौन। जब हमें ये पता चल जाएगा सरकार कौन है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे क्योंकि सरकार ने बनाए हैं, और फिर यही क्वेश्चन फिर से खड़ा हो जाएगा कि आखिर सरकार कौन है। गोलमोल हम घूमते रहेंगे सरकार को जानने के लिए, तो अब वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो शुरू होने वाला है आपके लिए कि आखिर सरकार है कौन। दोस्तों सरकार के बारे में बात करते हैं, सरकार के बारे में सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि नागरिक कौन है और क्या देश की सीमाएं हैं, क्या राज्य है, क्या क्षेत्र है, इसको समझ लेते हैं ताकि हम सरकार तक आसानी तक पहुंच जाएं। अगर हम कोशिश करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, और आज हम कोशिश करने वाले हैं कि सरकार तक कैसे पहुंचें। तो सबसे पहले बात करता हूं, कुछ लोग किसी स्थान पर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं वो एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र की सीमाओं को, उस क्षेत्र की सीमाओं को आप एक प्रतिनिधि के द्वारा चलाए जाने के रूल या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करते हो, या आप एक चुनाव करते हो कि उस सभी लोगों के रहने वाले जितने भी लोग उस जगह में रहते हैं उनके द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है, और वो चुना हुआ व्यक्ति वहाँ के नियम कानून और वहाँ के दायरों को निर्धारित करता है, और कोई नियम जो बना रहा है वहाँ के लोग उसे मानते हैं या फॉलो करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को आप सरकार की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन सरकार की जब मैं बात कर रहा हूं तो राज्यों की भी बात कर रहा हूं, तो राज्य क्या है पहले वो समझते हैं दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में रहने वाली एक सीमा जो निर्धारित की गई है, उस सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को राज्य की श्रेणी में रखा जाएगा, और राज्य कोई भी स्थान हो सकता है, इसमें जमीन भी आ सकती है, पानी भी आ सकता है, यानी समुद्री क्षेत्र भी आ सकता है, नदियों से भरा हुआ क्षेत्र भी आ सकता है। और सीमा निर्धारित करने का ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ भूमि ही आती है उसमें, भूमि के साथ जुड़ी हुई जगह, पानी, नदियां, पहाड़, पेड़ और पर्वत, ये सारी चीज़ें हमारे उस क्षेत्र में आते हैं। यानी राज्य एक ऐसा स्थान है जहां पर प्राणी, मानव, व्यक्ति, विशेष और ये सभी चीज़ें स्थापित हैं। वो सभी क्षेत्र को, अगर उस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं वो राज्य कहलाएगा। हमारा संविधान भी बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। अगर जैसे हम बात करते हैं अनुच्छेद 1, 2 और 3 की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि राज्य से क्या मतलब होता है, संघ से क्या मतलब होता है, और क्या होता है संघ और क्या होता है राज्य। तो हम जब संविधान की बात कर रहे हैं तो उसके नियम के अनुसार भी अगर हम आपको बताएं तो राज्य का मतलब ऐसी सीमा जो निर्धारित की गई है, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति रहता है, व्यक्ति विशेष रहते हैं, जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, इंसान रहते हैं, और नदियाँ, पहाड़, पर्वत और भूमि और जल सभी आता है, ऐसा कोई भी क्षेत्र राज्य कहलाता है। अब राज्य में किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा या उन व्यक्तियों के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। उस चुनने की प्रक्रिया में जो व्यक्ति चुना जा रहा है वो वहाँ के नियम और कानून बनाता है, उनका पालन पोषण करता है, उनके विषय में सोचता है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और सभी नीतियों के बारे में सोचता है, विचार करता है, और अच्छे और बुरे कामों को रोकना या बढ़ाना उसके हाथ में होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति ही सरकार की परिभाषा में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई क्लर्क क्या सरकार है, कोई राजा क्या सरकार है, अगर हम बात करते हैं किसी भी अधिकारी की क्या सरकार है, तो सरकार क्या कौन है आखिर, फिर से वहीं घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं कि सरकार का मतलब क्या है। क्या हम सीएम को सरकार बोलें, क्या हम पीएम को सरकार बोलें, या हम राष्ट्रपति की बात करते हैं या प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनको भी सरकार बोल सकते हैं दोस्तों।
तो सरकार की जो समस्या है, जो हम समझना चाहते हैं कि सरकार आखिर है क्या, सरकार किसी भी संवैधानिक पद के द्वारा चुना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दल से चुना हुआ है, या कोई दल जो अपना बहुमत सिद्ध करता है, या सांसद के रूप में या पार्लियामेंट के रूप में जब हम बात करते हैं, वहाँ पर उसका चुनाव होता है और चुनाव प्रक्रिया से कोई व्यक्ति चुना जाता है और वो पूर्ण बहुमत सिद्ध कर देता है राष्ट्रपति के सामने, और तब जब वो पूर्ण बहुमत सिद्ध कर देता है तो उस व्यक्ति को या उस दल विशेष को आप सरकार की परिभाषा में रख सकते हैं दोस्तों, उसकी परिभाषा में आप रख पाएंगे उसे, और यही सरकार आपके लिए नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और उसको संचालित करने के लिए अलग अलग विभागों को, अधिकारियों को सुपुर्द कर देगी उन नियमों को, ताकि वो उनका पालन करा सकें। तो ऐसी भी कोई भी सरकार जो कि चुनी गई है उस आम जनता, आम नागरिक के द्वारा, तो वो सरकार कहलाएगी दोस्तों। मैं सरकार के बारे में बात कर रहा था, दलों के बारे में बात कर रहा था और आपको बता रहा था कि सरकार क्या है। आखिर हम सरकार को समझने के लिए बहुत माध्यम है हमारे पास समझने के लिए। अगर हम देखते हैं कि सरकार रोड बनवाती है, सरकार अस्पताल बनवाती है और सरकारी विभाग होते हैं, यानी उनको संचालित, जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं आम व्यक्ति के लिए, नीतियां बनाई हैं किसी इंडस्ट्री, किसी उद्योग के लिए नीतियां बनाई हैं, विकास के लिए नीतियां बनाई हैं, आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेक्टर के लिए, तो उन नीतियों का पालन कराती है, अधिकारियों के द्वारा संचालित कराती है उनको। और ऐसी कोई भी सरकार या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नियमों को बनाता है और नियमों को पालन कराने की प्रक्रिया में लोगों का भला सोचकर, सामाजिक व्यवहार को सोचकर उनके प्रति कार्य करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सरकार की परिभाषा में रखा जाएगा दोस्तों। सरकार हमारी समस्याओं को सुने, सरकार हमारी समस्याओं को सुने, हम सरकार को अपनी समस्याएं बताएं, सरकार उनका समाधान निकाले, ऐसी कोई भी सरकार सरकार हो सकती है। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारी समस्याओं को सुनता है और वो जनप्रतिनिधि है, तो हमारी सरकार की परिभाषा में आएगा दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार की सारी परिभाषाओं को अगर हम समझ लें तो सरकार का वास्तविक रूप क्या है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संचालित करता है, किसी राज्य की नीतियों को बनाता है, संचालित करता है और उनको कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है, तो ऐसा व्यक्ति सरकार की परिभाषा में आएगा। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को एक बार दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।